बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी वांट टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन प्रोजेक्ट प्लानिंग। व्हाट इज प्रोजेक्ट, व्हाट इज प्लानिंग? प्रोजेक्ट इज द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी वेयर वी स्पेंड सम मनी फॉर सम स्पेसिफिक रिटर्न व्हिच इज स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। प्लानिंग इज ए स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर एक्शन। सो नाउ यू आर क्लियर व्हाट मीन प्रोजेक्ट्स एंड व्हाट मीन प्लानिंग। प्रोजेक्ट चिमंग तैयार हो नुजागे दफारा मंगा इन्वेस्टमेंट को पैसे रासरी सेविंग मुकड़ी और यो प्रोग्राम मंग रवान को और आगा जना वेली मंग स्पेंड को उदागे यो स्पेसिफिक टाइम ही और स्पेसिफिक टाइम चूशी अगर कंप्लीट शी ओबिया मंगता से रिटर्न प्राकई नो देता मंग सोयू देता मंग प्रोजेक्ट वे बल्कि प्लानिंग जे कम दे अगर द फ्यूचर से प्रोग्राम मंग तैयार हो प मुस्तकबिल के मंग वर्ड उच यो एक्टिविटी हो कु उदागे द फोरा मंग प्लानिंग। अगर आप देखते हैं तो ये प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है इसमें हम प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए। प्रोजेक्ट प्लानिंग की जो साइकिल है वो पांच है। जब हम स्टार्ट लेते हैं तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन से लेते हैं। व्हाट मीन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन? उस आइडेंटिफिकेशन के लिए हम बाहर गांव में या प्रोविंस में चक्कर लगा के सर्वे करते हैं और विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनर कलेक्ट द डेटा और फिर हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर फिर हम प्रोजेक्ट बनाते हैं और फिर जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहाँ हम प्रोजेक्ट के ऊपर जितना खर्चा आते हैं उसको चेक कर लेते हैं और उसका बेनिफिट जो है उसको चेक कर लेते हैं कि कितना खर्चा इस प्रोजेक्ट पे आएगा और कितना उसका फ़ायदा होगा। तो प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ होता है और बाज़ोकात हमें आमदन जो है वो फ्यूचर में मिलता है और हम खर्चा प्रेजेंट में करते हैं। तो यही वजह है वहाँ हम डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग करते हैं और हम प्रेजेंट वर्थ को फ्यूचर में और फ्यूचर वर्थ को प्रेजेंट में तब्दील करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने सप्लायर को ग्रो किया तो उसके ऊपर खर्चा शुरू हुआ और फिर हम उसको यूरिया डालते हैं और 7 या 10 ईयर्स के बाद वो सफ़ेदार जो है सेल के काबिल हो जाता है। तो हम उसके मुख्तलिफ खर्चों को भी देखते हैं और दूसरी साइड पे पॉपुलर जिसने ज़मीन के ऊपर साया रचाया है तो उस साय की वजह से फोटोसिंथेसिस इफेक्ट हुआ है और डिफरेंट जो क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है तो उसका भी हम ख्याल करते हैं। उसका इनकम लेवल की तरफ हम प्राइस का भी ख्याल करते हैं और हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी को पहुँचाए और वहाँ जो फोटोसिंथेसिस इफेक्ट हो तो उसका कास्ट भी हम कैलकुलेट करके पहले जब हम वहाँ पे वीड ग्रो करते उसका प्रोडक्शन किया था जब हमने सफ़ेदार को लगाया तो फिर प्रोडक्शन मतलब है कितना है तो हम फिर उसको मतलब मनफी करते हैं एक दूसरे से और पता चलाते हैं कि आया कितना फ़ायदा है या नुकसान है। पॉपुलर को हमने उगाया अब ठीक है हमें रिटर्न तो मिल गया लेकिन लॉन्ग रन जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं वहाँ फूड पे क्या असर हुआ। तो वहाँ हम प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में ये सारा ख्याल करके जब हम प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं तो फिर वी सबमिट दिस प्रोजेक्ट टू अप्रेजल कमेटी। देयर एक्सपर्ट आर प्रेजेंट, दे विल सी द प्रोजेक्ट, एवरी वन रिव्यू द प्रोजेक्ट एंड दे विल सी द कास्ट एंड बेनिफिट्स एंड देन दे रन दिस क्राइटेरिया विच वी हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू दैट बेनिफिट डिवाइडेड बाई कास्ट और हम एक रुपये का ताकत देखते हैं कि हमें वो कितना बेनिफिट देता है और इसी तरह NPV के थ्रू हम टोटल जो हमारे पास कास्ट होता है या बेनिफिट होता है तो बेनिफिट से हम
उसको मतलब है मनफी करते हैं और हम देखते हैं कि हमें कितना फ़ायदा देता है। इसी तरह IRR के थ्रू हम चेक कर लेते हैं और वहाँ हम इंटरेस्ट रेट जो ट्रायल मेथड है हम मुख्तलिफ इंटरेस्ट लगाकर हम इक्वलाइज करते हैं बेनिफिट और कास्ट और फिर देखते हैं कि ये बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है उससे इंटरेस्ट ऊपर है या नीचे है। अगर नीचे है तो फिर हम प्रोजेक्ट को अप्रूव कर लेते हैं और इसी तरह NPV के थ्रू भी हम प्रोजेक्ट को अप्रूव कर लेते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे प्रोजेक्ट ज़्यादा हो और वहाँ आपके पास बजट कम हो तो फिर आप उस प्रोजेक्ट को अप्रूव करेंगे जो एक रुपया जो आप खर्च करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मुनाफा देता है, तो फिर इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करके फिर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज जो है शुरू हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे आपके पास डायरेक्टर होता है, वहाँ डिफरेंट रिसोर्सेज मतलब ये होते हैं और वो प्रोजेक्ट जब इम्प्लीमेंट होते हैं तो वहाँ पे स्टाफ होता है, वहाँ पे कंट्रोलिंग सेक्टर होते हैं, वहाँ पे मॉनिटरिंग सेक्टर होते हैं। मॉनिटरिंग सेक्टर जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटी को चेक करके देखते हैं कि आया ठीक मतलब है रन हो रहा है या नहीं, या अगर यहाँ पे गलती कोई कर रहा है, फेवरेटिज्म कर रहा है, या उसके अलावा शराब रिश्वत वगैरह लेता है या कोई और गलत एक्टिविटी कर रहा है तो वो कंट्रोलिंग सेक्टर को इन्फॉर्म करता है और कंट्रोलिंग सेक्टर ऑन द स्पॉट जो है उसके ऊपर एक्शन लेता है और वो सिचुएशन को काबू कर लेते हैं। और इन सब सारे प्रोजेक्ट का मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हाउ टू अचीव द टारगेट, हाउ टू अचीव द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, तो वो और एंगल से वो मतलब जोर लगाते हैं ताकि हम इस प्रोजेक्ट को सही तरीके से चलाएं और जो हमारी ऑब्जेक्टिव है उसको हम गेन करें। लेकिन बाज़ औक़ात ये सारे प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं, जो बेनिफिट वो क्लेम करते हैं वो इसको गेट नहीं करते। उसकी मेन रीज़न ये है कि लैक ऑफ फंड, बाज़ औक़ात प्रोजेक्ट को सही टाइम पे पैसे नहीं मिलते और बाज़ औक़ात पैसों की शॉर्टेज की वजह से प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। और दूसरा जो है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द बिल्डिंग डिपार्टमेंट, जो एक्सपर्ट वो कोऑर्डिनेशन जो मतलब बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उसके पास उसका कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता और सही वक्त पे वो मतलब है उस बंदे को नहीं भेजता मीटिंग के लिए, तो भी प्रोजेक्ट जो है इसकी वजह से भी फेल हो जाता है। और इसके अलावा अगर स्टाफ वहाँ पे जितना भी है अगर वो सही काम नहीं करते और वो मतलब करप्शन करते हैं और इसके साथ साथ वो हाजिरी नहीं लगाते और वो प्रेजेंट नहीं होते तो फिर भी प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जाते हैं। तो इस मकसद के लिए आपको हर एंगल से सोचना है कि किस तरह हम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करें और किस तरह हम उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। अब हम आते हैं जब हम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर हमारे पास जो फिफ्थ स्टेज है ये इवेल्युएशन स्टेज है। इस इवेल्युएशन स्टेज में हमने जो सर्वे पहले किया था तो उसका रिकॉर्ड हम देखते हैं कि इस वक्त वहाँ प्रॉब्लम की सिचुएशन क्या थी, और अब जब हमने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया तो अब उसके बाद उसका सिचुएशन क्या है, आया प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या इंक्रीज हुआ या जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव थे वो गेन हुए या नहीं हुए। तो इस मकसद के लिए हमारी इवेल्युएशन कमेटी होती है और वो बिफोर का डाटा भी लेते हैं और आफ्टर का भी, और आफ्टर के डाटे से बिफोर का डाटा माइनस कर लेते हैं। जब माइनस कर लेते हैं तो फिर उसे पता चलता है कि आया सोसाइटी बेनिफिटेड आर नॉट बेनिफिटेड, या सोसाइटी को इस प्रोजेक्ट से नुकसान हुआ है या फ्यूचर में उसको नुकसान आएगा या नहीं आएगा, प्रेजेंट सिचुएशन ठीक है अच्छी है लेकिन लॉन्ग रन में उसका क्या असर होगा। इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि जब अर्बनाइजेशन होता है तो दे फैसिलिटेट द पीपल, और इसकी वजह से रूरल एरिया का जो माइग्रेशन है वो ज़्यादा हो जाता है और रूरल एरिया में लोग मतलब आते हैं सिटी की तरफ और फिर वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी का मसला सिटी में पैदा होता है और यही वजह है इलाका जो है पॉल्यूटेड हो जाता है और एग्रीकल्चर लैंड में कोई मतलब सही तरीके से काम नहीं करते और ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर लैंड है सिटी के सराउंड तो वो उसको घेर लेते हैं और वहाँ पे बिल्डिंग वो डेवलप कर लेते हैं या यूनिवर्सिटियाँ डेवलप कर लेते हैं और फिर जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्शन लैंड है वो उसको मिस यूटिलाइज करते हैं जिस मकसद, क्योंकि प्रोडक्शन
फूड भी एक बहुत मतलब है मसला है नेशन का। तो इस मकसद के लिए आपको हर साइड पे देखना है कि भाई जो प्रोजेक्ट मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो आया फूड का फ्यूचर में क्यों, क्योंकि डे बाई डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और उसके लिए फूड का डिमांड ज़्यादा है और फूड सिक्योर अभी तक मतलब नहीं है। तो इस मकसद के लिए तो मैं हर एंगल से, इसके अलावा मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सरूबी में इरिगेशन कैनाल हुआ था और वो बहुत बेनिफिटेड था, क्योंकि पहले इरिगेशन कैनाल नहीं था तो वहाँ पर एकड़ जो प्रोडक्शन हर चीज़ की थी पर मन वो पर जरे वो थी मतलब है 5 मन, लेकिन इसके बाद वो मतलब है ज़्यादा हुई और वहाँ की जो प्राइस थी ज़मीन की वो 50,000 थी, लेकिन इरिगेशन कैनाल से उसकी प्राइस वैल्यू जो है बढ़ के ये 16 लाख तक पहुंच गई और इसके साथ साथ इन लोगों की आमदन जो था वो इम्प्रूव हुआ और इसकी वजह से उसका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हुआ। इसके साथ साथ उसका एजुकेशन साइड भी इम्प्रूव हुआ, लेकिन पहले उसके साथ पैसे नहीं थे तो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में नहीं भेजते थे, लेकिन अब उसके पास पैसा गया तो इसकी वजह से वो अब अपने बच्चों को भेजते हैं, तो अब उसके बच्चे जो भी है वो भी मतलब ग्रेजुएट लेवल तक पहुंच गए हैं एंड दे परफॉर्म वेरी वेल इन द पीक। तो ये तो था लेक्चर मेरा जो मैंने आपको सुनाया, लेकिन अब हम इस लेक्चर को इंग्लिश में भी करेंगे ताकि जिसकी इंग्लिश अच्छी हो ताकि उनको भी पता चले कि वाकई मतलब हम उससे किस तरह मुस्तफीद हो जाएंगे। तो अब हम आते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट इज द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी वेयर वी स्पेंड सम मनी फॉर सम स्पेसिफिक रिटर्न। प्लानिंग इज द स्ट्रेटजी वेयर वी मेक द स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर एक्शन। वी प्रिपेयर सम प्रोग्राम फॉर फ्यूचर, द प्रोग्राम विच वी प्रिपेयर वी इम्प्लीमेंट इन द फ्यूचर। सो दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। Project cycle has 5 stages: identification stage, project identification through survey, we identify the problem, we collect the data from the villages, we collect the data from the province, and we go to field and we identify different problem, and then on this basis we start the project. The second one is preparation stage. In preparation stage, we will see to the cost of the project and we will see to the benefits of the project, and there we will apply different criteria by project appraisal committee, and they approve the project in some way. When the project approve, then it will be implemented, and they have some staff monitoring cell they have, and controlling sector they have, and they have director, and they have other support staff in the team per project implementation. When the project completed, then the stage of evaluation started. So they noted the before situation, and then after project implementation they check the situation, what the difference between these two stages is. If we want to before and after, so we take some indicator and we subtract from the after the before, and we finding the figure. Or isi tarah similarly we also use sometime fair t test, and sometime we use independent t test. An independent t-test, we take the project area and we take that area where we have not implemented the project, and we compare it and we check the situation. Either the project area is more benefited than the non-project implemented area. So it was a small lecture which I have presented, and I have also identified there project criteria, benefit cost, benefit divided by cost, NPV net present worth, IRR internal rate of return, discounting, compounding,
casting, beneficium, interest rate. These all things, when you want to prepare the project, we will use these things, and then the appraisal committee will check the situation, either the project is beneficiary or not beneficiary. So they reject and they accept. Da ma yo lu ke unta ke lecture tayar ka ta sta mu ye zaman num de Dr. Noshad Khan aur zo pa agriculture university ke as assistant professor kar kom khomanga da project planning bande der matlab da di lecture aur idili di kho actual che kam matlab de project mung jodo nu da ge pa sahi mano bande मग न पुई गुन बदे हो जब मा दा लकी हुए चेराशा त मेरा बनियो का और दा प्रोजेक्ट मतलब दा दे यो लेक्चर तैयार का और दा स्टूडेंट शिकम दी द्वित ओ खया के प्रोजेक्ट सत हुई प्लानिंग सत हुई और द प्रोजेक्ट सेकल मतलब दा दे सोलर स्टेजेस दी और ब्या द प्रोजेक्ट क्राइटेरिया मतलब कम के कम क्राइटेरिया बा दा प्रोजेक्ट अप्रूव के ब्या डिस्काउंटिंग से तो हुई कंपाउंडिंग से तो हुई और फ्यूचर वर्ड से तो हुई और प्रेजेंट वर्ड से तो हुई ज आखिर के दा वेमा के परस का यो सड़ी पदी न पुईगी न दे दे ब्या माता मतलब दा दे पर कमेंट्स के जमाना था पुस कूली शी और इंशाल्लाह जब ट्राई कम चे ज दा कसान मतलब है सही तरीके से पोए कम यार जे प्रोजेक्ट सीसीज दे हर कार चे तक के आगे नुम दे प्रोजेक्ट कोले जे पार कार बने पैसे लगी कत्ता बची स्कूल के मतलब दे दाखिले नो दामियो प्रोजेक्ट थे कत्ता यूनिवर्सिटी के दाखिले दामियो प्रोजेक्ट थे कत्ता पा जमका करे नो दामियो प्रोजेक्ट थे और कत्ता कोर जोड़े नो दामियो प्रोजेक्ट थे और कत्ता नेर जोड़े द हम यो प्रोजेक्ट थे और कत्ता रोड जोड़े नो द हम प्रोजेक्ट थे और कत्ता मयान साथी नो द हम प्रोजेक्ट थे और कत्ता मरगे साथी नो द हम प्रोजेक्ट थे और कत्ता परस का स्पीस आती है होगी तो ट्रेनिंग वर्क है नो द हम प्रोजेक्ट थे बोले जी बदे कि मनी इन्वॉल्व था और मनी बा तो खर्च के और आगे पम दस सरबा तो मतलब दादे रिटर्न आले प लॉन्ग रन या प शॉर्ट रन और आगे सरबा सराजी डेवलपमेंट राजी सोसाइटी बख कीगी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कीगी और दे सरा सरा इकानमी बा डेवलप कीगी और द नोर मुल्कनों पर नस्बत बा जमुन हालत कीगी और खलक बा जे जमुन हालत कीगी नो खलक बा ब्या दिलता मनी इन्वेस्ट कई और फॉरेन इन्वेस्टर बा जमुन मलता राजी बल्के बल मलता बा दान नजीनो जे सर बा जमुन का सिक्योरिटी माशाल्लाह खुशी चोरे खलक कीगी नो ही ब्या लगाने न कई और ही न क्राइम्स कई और न बार मुल्कों न ही धोखा का उलिशी नो दा जमा लेक्चरो दा शेयर के और द सही तरीके से लेसन के और वे गोरे पाकिस्तान जिंदाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिंदाबाद वस्सलाम।